हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने है टाटा हैरियर प्योर प्लस डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इस कार में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और ये बेस मॉडल है और ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, वो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक शोरूम कीमत की बात करें तो 19,99,000 रुपये की आपको लखनऊ में पड़ जाएगी एक शोरूम। बाकी ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं अभी बीच में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रंट से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है, 5 सीटर है ये मॉडल, 7 सीटर भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको पियानो फिनिश मिल जाती है, न्यू टाटा का लोगो मिल जाता है, DRLs मिल जाती है, बाकी इंडिकेटर आपको इंटीग्रेटेड मिल जाता है DRLs में, हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट, बाकी यहाँ नीचे फॉग लाइट नहीं दी गई है। एसेसरीज के थ्रू अगर आप कंपनी से लगवाना चाहते हैं तो लग जाती है। बोनट पे डिज़ाइन मिल जाता है, 2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप पियानो फिनिश देख पा रहे होंगे ग्रिल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है देखने में और काफ़ी ज़्यादा बड़ी गाड़ी है तो अच्छी लग रही है। फेंडर से बम्पर का कलर सेम है, डिज़ाइन आपको मिल जाएगी। बाकी टायर सेक्शन की बात करें, 235/65R17 भाई 235 mm का टायर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर 17 इंच के आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं फ्रंट में। बाकी यहाँ पर आपको कलर कोटिंग देखने को नहीं मिलती है, बोनट पर डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक रखी गई है और वाइपर्स मिल जाते हैं फ्रंट में। यहाँ पर आपको अडास वगैरह देखने को नहीं मिलता है। बाकी साइड बॉडी प्रोफाइल से यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायमेंशंस की बात करें 2741 mm का व्हील बेस मिल जाता है, 4605 mm की आपको लेंथ मिल जाती है इसमें। विड्थ की बात करें तो 1922 mm की विड्थ मिल जाती है और 1718 mm की आपको मिल जाती है हाइट। बॉडी कर वेट की बात करें तो 1605 kg की ये कार है। गेट पर आपको यहाँ पे छोटा सा हैरियर की ब्रांडिंग जो कि 3D क्रोम में दी गई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। नीचे नॉन कलर कोटेड पार्ट मिल जाता है, 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी मिरर आपको पियानो फिनिश में मिल जाता है और जिसपे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। सनरूफ नहीं मिलती है इसमें और यहाँ पर आप गेट पर देख सकते हैं आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और ये पार्ट हटा के आप चाबी यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके से देखने में लगता है। बाकी अगर मैं इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ चलूँ तो यहाँ पर आपको पहली चीज़ तो यह मिल जाती है 50 लाख कार्स की, मतलब 50 लाख इनकी हैरियर जो है वो बिक चुकी है। बाकी यहाँ पर आपको डीजल टैंक राइट में मिलता है ड्राइवर साइड की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ आपको प्लेन है, यानी कि आपका जो टैंक है दोस्तों वो आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर कनेक्टिंग टेल लाइट्स मिल जाती हैं LED में। रुकिए मैं आपको चेकआउट कर पहले लाइट्स ऑन कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे लाइट्स आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगती है भाई। इंडिकेटर भी आपको LED में, कनेक्टिंग टेल लाइट मिल जाती है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे बड़ी बड़ी हैरियर की ब्रांडिंग 3D क्रोम में, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और यहाँ पे नंबर प्लेट, रिवर्स पार्किंग कैमरा विद गाइडलाइंस यहाँ पर आपको मिल जाती है। डीफॉगर का भाई इस पर मिसिंग है, डीफॉगर नहीं आता है। बाकी वाइपर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको ब्रेक लाइट्स मिल जाती हैं, वॉशर भी मिल जाता है, शार्क फिन एंटेना मिल जाता है ब्लैक पियानो फिनिश में, स्पॉइलर। और यहाँ पर आपको भाई लाइट्स की डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा है यार, यूनिक है, मतलब अच्छी लगती है देखने में। आपको कलर कोटेड डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। बाकी डिज़ाइन वाइज आपको काफ़ी ज़्यादा कार ये पसंद आने वाली है भाई। 19 लाख यानी कि लगभग 20 लाख में ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी एक शोरूम कीमत में। टायर साइज़ मैंने आपको बता ही दिया, 235/65R17 चारों टायर आपको सेम साइज़ के मिलेंगे। रिवर्स लाइट आपको यहाँ मिल जाएगी, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रिवर्स कैमरा मैंने बता ही दिया। बाकी अगर इसके बूट स्पेस की बात करूँ तो वो भी मैं आगे करूँगा। यहाँ पर आपको मिरर्स मिल जाते हैं भाई, मिरर काफ़ी बड़ा है। हैरियर की बैजिंग मिल जाती है गेट पर, यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी लुक में तो काफ़ी ज़्यादा भाई अच्छी लगती है। यहाँ पे आप फ्रंट में DRL देख सकते हैं जल रही है। चलते अब इसके इंटीरियर की तरफ थोड़ी बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर आपको सिल्वर टच मिल जाता है, बाकी क्लॉथ का देखने में लगेगा आपको। और यहाँ से ब्लैक कलर का पार्ट मिल जाता है, डोर हैंडल्स कुछ इस तरीके से, बाकी कंट्रोल्स मिल जाते हैं विंडोज़ के। और भाई ये कपड़ा जो लगाया गया है, मतलब क्लॉथ टच ही इसको बोलेंगे क्योंकि एकदम कपड़ा ही है। यहाँ पे डोर हैंडल मिल जाता है, 1 बॉटल होल्डर, कुछ सामान। और एक चीज़ भाई, ये रेड लाइट अभी भी टाटा दे रही है। ये टाटा सफारी डाइकोर में ये लाइट्स आती थी डोर पर, जो रेड कलर की लाइट आप देख रहे हैं, अब वो टाटा हर अपनी गाड़ी में दे रही है। हर गाड़ी में क्या, ज़्यादातर SUVs में अपने दे रही है। यहाँ पर आपको RPMs के कंट्रोल मिल जाते हैं
और यहाँ पर आप भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पैडल्स मिल जाते हैं। बाकी ये मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं आपको, वेंटिलेटेड सीट्स इसमें नहीं आती हैं। और जो क्लॉथ आपको वहाँ सीट पे मिल जाएगा वही डोर पे मिल जाएगा। पावर स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेलेटर और ब्रेक का पैडल है क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। यहाँ पर आपको चार स्पीकर और दो ट्विटर्स मिल जाते हैं पूरी गाड़ी में, और भाई बहुत तगड़ी है आवाज़। मैं अभी आपको सुनाऊंगा इसका डेमो साउंड। यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर जो कि फुल LED में दी। बाकी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मीटर की स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, टाटा मोटर्स की ब्रांडिंग के साथ ही आती है। ओ भाई साहब बहुत तगड़ा मीटर है यार। और यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफ्यूल मांग रहा है, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है, सिटी ओडोमीटर और इंजन टेम्परेचर, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, DFL लेवल क्वालिटी और नेविगेशन मिल जाता है, कूलेंट टेम्परेचर, डिजिटल फ्यूल गॉज, इंजन माल फंक्शन की लाइट, बाकी कोई एरर की इंडिकेशंस की लाइट मिल जाती हैं। और इसमें TPMS मिल जाता है, G-Force मीटर मिल जाता है, सर्विस रिमाइंडर मिल जाता है दोस्तों, टायर इन्फॉर्मेशन यार वही TPMS, और बाकी यहाँ पे पावर टॉर्क कितनी जनरेट कर रही है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और नेविगेशन मैंने बताया ही आपको, यहाँ पे कंपास मिल जाता है कि गाड़ी आपकी किस पोजिशन में किस एंगल पर खड़ी हुई है। तो कुछ इस तरीके से आपको मीटर मिल जाता है, इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है स्टीयरिंग पर टाटा का। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, यहाँ पे देख सकते हैं भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी लगेगी आप इंटीरियर वाइज अगर कार को देखोगे। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं बाकी ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल है, बाकी यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल और मीटर के कंट्रोल मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर्स इसमें नहीं आते हैं, इसके ऊपर वाले मॉडल में आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, यहाँ पे देख सकते हैं 10.24 mm की डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको एंड्रॉयड और एप्पल को ऑटो कारप्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप FM वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। AC के कंट्रोल्स भी आप यहाँ से कंट्रोल कर पाओगे, नीचे बटन लगी है खैर वहाँ से भी कर लोगे और यहाँ से भी आप कर पाओगे। बाकी यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल, इमेज व्यूअर, क्विक सेटिंग, फ़ोन असिस्ट, वॉइस असिस्ट, साउंड डेमो में ये आपको चेकआउट करा देता हूँ। इसके स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा आपको बेसी साउंड मिलेगा और साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है भाई, मुझे तो अच्छी लगी। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं AC और फैन के कंट्रोल मिल जाते हैं, और ये आपका ट्रायंगल जो बना ये हज़ार्ड लाइट है इसकी, बस आपको टच करना है, इसमें बटन वटन नहीं है, इससे ज़्यादा टच सिस्टम है। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक USB टाइप का पोर्ट और टाइप सी का चार्जर, और यहाँ पर आपको तीन मोड मिल जाते हैं, नॉर्मल, रफ और वेट मोड। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन मिल जाता है जिसमें रियर, रिवर्स, न्यूट्रल और पार्किंग के साइन मिल जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा भाई मतलब अच्छी लगती है इंटीरियर में भी। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे लेदर टच मिल जाता है, स्टीयरिंग व्हील पे लेदर टच मिल जाता है, और वहाँ पर आपको ब्लोअर मिल जाता है। बाकी स्टार्ट स्टॉप का बटन कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। और सबसे यूनिक मुझे इसकी हैंड ब्रेक लगी भाई, बहुत ज़्यादा यूनिक है। पहली चीज़ को यहाँ पकड़ नहीं पाएगा कि ये हैंड ब्रेक है, ये देखिए हैंड ब्रेक रिलीज़ हो चुकी है, हैंड ब्रेक ये लग चुकी है। तो कुछ इस तरीके से इसकी हैंड ब्रेक आती है। यहाँ पर कप होल्डर्स मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट के अंदर आपको चार्जर मिल जाता है, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जर देख सकते हैं, और एक टाइप सी का चार्जर देखने को मिल जाएगा। आर्मरेस्ट आपका स्लाइडर नहीं है, नॉर्मल ऐसा है, फिटेड है। और यहाँ पर आप सीट्स देख सकते हैं, सीट्स की कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और क्लॉथ जो है सीट्स का वो ज़्यादा कम्फर्टेबल है, आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगने वाली है। यहाँ पर आपको एयरबैग्स मिल जाते हैं, बाकी यहाँ पर लाइट्स मिल जाती हैं, LED में दी गई हैं। बाकी आपको ड्राइवर साइड मिरर नहीं मिलता है, को ड्राइवर साइड मिरर मिलता है, उसमें लाइट नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है अंदर का जो मिरर है
वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। बाकी यहाँ पर अगर मैं इसके रियर साइड की तरफ से बात करूँ तो रियर साइड में भी आपको वही सेम चीज़ देखने को मिल जाती है डोर पर, लेकिन पीछे आपको ट्विटर्स देखने को मिल जाते हैं और फ्रंट में ट्विटर्स नहीं मिलते हैं। यहाँ से अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको क्लॉथ टच मिल जाता है, बाकी प्लास्टिक का सारी चीज़ें हैं, रेड कलर की लाइट, स्पीकर, यहाँ पर एक जगह दी गई है आपको, और यहाँ पे डोर हैंडल्स जो है वो सिल्वर टच में है, क्रोम में नहीं है दोस्तों। बाकी ब्लैक और ये जो क्लॉथ है भाई, एक तरीके से देखा जाए तो खादी जैसा कपड़ा नहीं होता है, सेम चीज़ वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पहले मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ तो भाई यहाँ पर आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है, गेट को कर लेता हूँ बंद, स्पेस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पर भाई आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, सीट का कंफर्ट जोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये 5 सीटर वाला वेरिएंट है। और यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टूर वगैरह करते हैं, फैमिली वगैरह अगर बैठती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, ऊपर भी आपको एक LED लाइट्स मिल जाती हैं फ्रंट और रियर दोनों में। रूफ हैंडल मिल जाते हैं ड्राइवर साइड को छोड़ के, बाकी हर साइड पे आपको रूफ हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। पीछे की तरफ आपको बूट स्पेस बताऊं तो यहाँ पर आपको 445 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और AC वेंट्स आपको यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर पे एकदम देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी दिए गए हैं। बाकी फ्रंट का लुक अंदर से कुछ इस तरीके से देखने में लगता है भाई, बड़ी सी स्क्रीन टच काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे करते हैं गाड़ी को बंद और चलते हैं इसके इंजन की तरफ, बोनेट ओपन करते हैं इसका, फिर आपको बताते हैं कि इंजन पावर क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है 1956 सीसी का 2 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन, ये आपकी जो मैक्सिमम पावर है वो 170 BHP की और आपको टॉर्क जो है वो कर देता है 350 Nm का। ओ भाई इंजन में पावर आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, लगभग 2000 CC का इंजन है डीजल में। यहाँ पे इल्यूमिनेशन आप देख सकते हैं, डैम्पिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी की गई है। और ये आपको दोस्तों डीजल टर्बो इंजन देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा पावर है। और यहाँ पर डीजल इंजन में एक चीज़ होती है, 2 RPM के बाद भाई ये बहुत तगड़ा खींचता है, कोई भी कार हो, टाटा की हो, मारुति की हो, ह्युंडई की हो, भाई एक चीज़ मैंने देखी है 2 RPM के बाद ये बहुत ज़्यादा तगड़ी खींचती है, मतलब अलग सा एक फील आता है आपको। यहाँ पर अगर मैं बूट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बूट मिल जाता है 445 लीटर का, और यहाँ पर सीट्स वगैरह नहीं मिलती हैं क्योंकि भाई ये आपका जो मॉडल है वो है 5 सीटर वाला। यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाता है ओपन करने के लिए, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। और बूट भाई भाई कैमरे में मुझे नहीं पता कि कितना ज़्यादा लग रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब बूट काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्पीकर के लिए जगह छोड़ी गई है, यहाँ पर स्पीकर नहीं है लेकिन आप खुद ही देख लो। पीछे आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाएगा, यहाँ पे फोल्डेबल सीट्स मिल जाती हैं, दोनों सीट फोल्ड करके आप आराम से एक बेड तो बना ही सकते हो अगर 2 लोग टूर पर जा रहे हो तो। बाकी भाई अगर इसका टेल गेट मैं देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है भाई, टाटा की गाड़ी है यार, हैवी तो होना ही है क्योंकि 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ देखने को मिल जाएगी, क्लॉथ टच और प्लास्टिक में ब्लैक कलर के लेदर, यहाँ पे ऑन ऑफ का मिल जाता है बैग्स जो कि को ड्राइवर साइड के लिए, क्लब बॉक्स में मिल जाते हैं आपको, यूजर मैनुअल, फर्स्ट एड किट्स, बाकी और कुछ नहीं मिलता है। क्लब बॉक्स में भी आपको स्पेस जो है वो काफ़ी ठीक जाती है। बाकी ड्राइवर और को ड्राइवर सीट आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिल जाती है, और यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, टॉप मॉडल से तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती है भाई, मेरे हिसाब से ये लगभग 8-7 लाख रुपए सस्ती है टॉप मॉडल से। और ये वैल्यू फॉर मनी इस वजह से क्योंकि भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल इंजन, मतलब जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो इसमें मिल रही है। 7 सीटर वाला लेना चाहते तो भाई वो अलग बात है, लेकिन ये 5 सीटर वाला मॉडल है। और यहाँ पर भी आपको पावर इन ड्रॉप डाउन, डोर हैंडल, क्लॉथ टच,
स्प्लिटर, स्पीकर्स, यहाँ पर मैंने आपको बताई भी फोल्डेबल सीट्स, जिसको यहाँ से पीछे जाना है यहाँ से जाए, टेलगेट से जाना है टेलगेट से जाए, जहाँ जिसकी मर्जी है वैसे जाए। बाकी इंटीरियर वाइज में भाई मेरे हिसाब से ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और फ्रंट से और रियर से तो भाई पता ही है यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको 19,99,000 रुपये की एक शोरूम पड़ जाती है। ऑन रोड प्राइस की बात करें 23,21,200 रुपये की आपको ऑन रोड SRM मोटर्स टाटा शोरूम में मिल जाएगी, जो कि आपका हुसैनगंज स्टेशन रोड लखनऊ में उपलब्ध है ये गाड़ी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वैभव मोटरवर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं अब नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। अगर आपको अपनी सिटी का प्राइस जानना है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।